नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में नवागत प्रमुख अधीक्षक के पद पर तैनात हुए डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने गोरखपुर न्यूज से रूबरू होते हुए अस्पताल में दिखाने आने जाने वाले मरीजों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को साझा करते हुए अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पूरी निष्ठा और लगन से अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील की। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा कि आज के समय में हम सभी की पहली प्राथमिकता जो हमारे लिए चुनौती बनी हुई है कोविड-19 से निपटने की है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी है। साथ ही उन्होंने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और समस्त कर्मचारियों से अस्पताल में दिखाने आने वाले मरीजों और वार्ड में भर्ती मरीजों की बेहतर इलाज और देखभाल करने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा हमारी प्राथमिकताएं इस वक्त तो ज़्यादा हैं और ये देखते हुए कि इस वक्त देश में जो है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से हर जगह जो है अफरा तफरी है, तो हम उसको किस तरीके से सुचारू रूप से जो भी हमारे पास कोरोना के लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से उनको उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, उनको आइसोलेशन किया जाए, उनका ये किया उनको क्वारंटाइन किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता इस वक्त कोरोना का कंट्रोल की ही है। और जिसमें जो है जो भी जब भी शासन हम लोग से जिस तरीके की मदद मांगेगा वो सब हम लोग करने के लिए हमारी प्राथमिकताएं हैं। साथ में इसके साथ ही साथ जो है जो भी हमारे आकस्मिक चिकित्सा के पेशेंट आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों या किसी भी विधा के हों या एनटी के हों या कोई भी हों, उनको हम लोग पूरी सुविधाएं देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उनको दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट हमारे यहाँ से बिना इलाज के या बिना चिकित्सा के हम लोग उनको वापस देने जाने देते हैं। सर, अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा? हम कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उनका जिस भी तरीके से मेरे लायक जो भी उनके जो भी होगा मैं उनको पूरी तरह से सहयोग करूंगा, हर तरह से उनकी हेल्प करूंगा और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि वो लोग भी हमको करेंगे और कर भी रहे हैं। कल हमने परसों हमने चार्ज लिया है और उसके बाद से सारे लोग जो हैं एक टीम की तरह से वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एकदम छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो या हमारे डॉक्टर्स हों या हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी हों, हर व्यक्ति जो है अपने भरपूर क्षमता से जो है हमको सहायता कर रहा है। और हमारी ये जो भी प्राथमिकताएं हैं, ये जो अस्पताल की प्राथमिकताएं हैं या जो गोरखपुर की प्राथमिकताएं हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से सुचारू रूप से होंगी, ऐसी मेरी आशा है।